सीमा हैदर के आशिकों की लिस्ट जारी हो चुकी है, आपको वो लिस्ट जरूर देखनी चाहिए। बहुत मतलब हालांकि लिस्ट ना लिस्ट थोड़ी छोटी पड़ गई है, मतलब लिस्ट इतनी लंबी है कि वो लिस्ट में आ ही नहीं पाया। कितनी लंबी लिस्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। और सोन भगोड़ी, तुझे पहले ही बोला था कि पर्सनल अटैक पे मत जाइए मोमिन मलिक सर के। और सुन मेरी बात, हम धर्म से पहले हम इंसानियत मानते हैं, आया समझ। एडवोकेट मोमिन मलिक सनातन का हमेशा से सम्मान किया है और करते हैं, इस्लाम का भी करते हैं, सनातन का भी करते हैं, उसी तरह हम भी हर धर्मों की इज्जत करते हैं। मेरा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आया समझ। यहां हम हिंदी हैं, वतन है हिंदोसिता हमारा, आया समझ। तो सुन, ये वो सोने की चिड़िया, इस देश को ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर धर्मों का सम्मान होता है। यहाँ गीता कुरान बाइबिल हर चीज पढ़ी जाती है, हर चीज को माथे से लगाया जाता है, आया समझ में। इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान है। और तूने पर्सनल अटैक किया तो देख, ये लिस्ट बहुत टाइम पहले आ चुकी थी मेरे पास, लेकिन हम थोड़ा इंतजार में थे, लेकिन अब और इंतजार नहीं करेंगे। तू कर पर्सनल अटैक जितने करने हैं, तो आप एक बार देखिए भगोड़ी के यारों की लिस्ट। देख ली, अब सुन मेरी बात, अभी और भी लिस्ट दिखाने की बाकी है, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी कि भगोड़ी, तू क्या सोच रही थी कि हमारे पास तेरे यारों की लिस्ट नहीं होगी? अभी और भी बहुत सारे जो सबूत हैं, वो भी बहुत सारे सबूत हैं अभी, ठीक है। कल तो मोमिन मलिक सर ने तुझे क्या दिखाया, किसी के साथ तू लेटी हुई है, किसी के साथ तू घूम रही है, तेरे बच्चे उसके कंधों पे लटक रहे हैं। ओ माई गॉड, ऐसी होती ही नहीं है भारतीय महिलाएं, ऐसी होती, ऐसी तो ना इस्लाम की महिलाएं होती, ना सनातन की महिलाएं होती, महिलाओं की एक डिग्निटी होती है, आया समझ। तो तूने जो मोमिन मलिक सर ने जो धमाका किया है ना, इट्स रियली अप्रिसिएट, सच्ची मैं तो बहुत अप्रिसिएट कर रही हूँ इस चीज को। दूसरी एक बात और मैं बताऊं, अभी मैंने यारों की लिस्ट दिखाई है, यारों की प्यारों की लिस्ट दिखाई है, तो भाई अगर किसी को लगता हो कि मैंने ऐसे फर्जी यार दिखा दिए हैं, इस जो इसने अपलोड कर रखे हैं इसके यार, मैंने वो आपको दिखाए हैं। और जिन यारों को लगता है ये फर्जी है, वो मेरे ऊपर क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि ये इसी के यार हैं। 100% से इनको ज्यादा परसेंट होता होगा, मैं वो वाला श्योर हूं, ये इसी के यार बादशाह है, ठीक है। तो अगर आप किसी को शक हो, जो अगर इसके यारे प्यारे ये वीडियो देख रहे हो, अगर उन्हें शक हो कि भैया हम तो इसके बॉयफ्रेंड है ही नहीं, हम तो इसके आशिक थे ही नहीं, अगर ऐसा लगता है तो यू कैन क्लेम मी, ठीक है, आई एम फुली रेडी, आया समझ। तो सुन, मोमिन मलिक सर का क्या चल रहा है, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, मैं तो है कौन पूछने वाली। और सुन 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 यार, तुझे तो रंगाई करके रख दिया, मतलब तेरे सारे के सारे सबूत एक्सपोज कर दिए भाई। और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं अपनी ऑडियंस का, जो हमें इतना सपोर्ट करती है। हम लोग रेडी रहते हैं कुछ नया दिखाने के लिए, हमारी ऑडियंस भी देखने के लिए तैयार रहती है ना। तो मियर, मैं आप लोगों को नमस्कार करना तो भूल गई, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं क्राइम एंकर साक्षी एक बार फिर झूठ का पोस्टमार्टम करने आई हूँ भगोड़ी हैदर के। और दूसरी बात, सबसे पहले सभी माओ को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। दुनिया में जितनी भी माए हैं, सब ऐसे ही हमेशा खुश रहें। और बच्चों से भी मेरी और जो मेरे भाई बहन है उनसे भी यही दुआएं हैं, सब अपनी माँ को बहुत प्यार करें, एक दिन नहीं हर दिन मदर्स डे मनाएं, क्योंकि माँ का दिन तो हर दिन होता है और माँ के बिना तो कोई दिन ही नहीं होता, तो हर दिन मदर्स डे मनाएं जी। तो हम क्या बात कर रहे थे भाई, और हाँ, मैं रब से दुआ करूंगी किसी की माँ भी सीमा हैदर के जैसी ना हो, क्योंकि ऐसी माँ तो किसी की होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी माएं होती ही नहीं है, ठीक है। 2014 में शादी हुई, 2016 में गुलाम हैदर वहां चला गया सऊदी, ये चार चार का लश्कर किसका लेके फिर रही, फिर किसका ले रखा है चार चार का लश्कर, ये तो बता दे। अपनी झूठा आदमी अपनी ही बातों में फंस जाता है बेबी, आया आपको समझ। हाँ 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 हाँ, तुम्हें क्या कहती, हाँ, मोमिन मलिक सर ने जब मंदिर दिखाया कि उनके ऊपर बजरंगी भाईजान बैठे हुए हैं बजरंग बली, तो बड़े लोगों को दर्द भी हुए हैं, मैंने मुझे सुनाई आ रही है ऐसी बातें, लेकिन दर्द मत करो। देखिए, हम भी हर मंदिर के सामने सर झुकाते हैं ना, तो मस्जिद का भी हम सम्मान करते हैं, याद रखना ये बात। हमारे दिलों में ही नफरतें नहीं है,
और हम कभी नफरतें पालते भी नहीं है। हमारे लिए हर धर्मों से बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म, और उस धर्म को हमें भूलना नहीं चाहिए। और हाँ भगोड़ी सुन, कल तेरा और भी झूठ का मैं पर्दाफाश करने वाली हूं। आज तो तेरे यार दिखाए हैं, कल तेरे व्यापार दिखाऊंगी मैं। कुछ तो तेरा मेरे को दिखाना पड़ेगा, कुछ तो मैं दिखाऊंगी। क्या दिखाऊंगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, आप इतना सारा प्यार देते हो, ऐसे प्यार देती रहिए। और ये जो तू चला रही है ना मोमिन मलिक की FIR, ऐसे जा रही है। मेरी बात सुन, हर घर में जब फैमिली डिस्प्यूट, और हाँ मोमिन मलिक साहब आपसे भी कुछ कहना है मुझे। ये क्यों आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, किसको दे रहे हो? इसकी औकात है कि आप इसे एक्सप्लेनेशन दो भाई, किस चीज की दे रहे हो? जो भोग रही है भोगने दो, आप इसके चिट्टे खोलते रहो। वी ऑलवेज विद यू। आप बजरंगी भाई जान हो, पूरे देश के भाई हो आप, ऐसे थोड़ी ना आपको अकेला छोड़ देंगे। तो आपने इसकी पोल खोलते रहिए, सफाइया मत दीजिए। झूठे के सामने सच्चा सिर फोड़ के मर जाएगा ना, फिर भी झूठे को यकीन नहीं आने का। आवाज ऊंची झूठे की रहेगी, याद रखना ये वकील साहब। तो झूठे को कभी सफाई नहीं देनी चाहिए, तो आप भी सफाई वफाई मत दो, खुश रहो, बिंदास रहो, इसकी पोल पट्टी खोलते रहो। और मोमिन मलिक साहब शपथ ले लो इस चीज की, अगर इस भगोड़ी को जेल नहीं पहुंचाया तो दुनिया में कुछ नहीं करा आपने। इस भगोड़ी को आपको जेल पहुंचाना होगा, और हैदर के बच्चे हैदर को दिलाने होंगे।